देखो, स्टार्टिंग में मैं एक बात बोलना चाहूंगा, श्री को और श्री को सड़ो। देखो, आपने ऐसी बहुत सी नेट के ऊपर वीडियो देखी होगी। परदेश में अगर तो आप इस नीयत से जाते हैं कमाने के लिए कि मैं भाई कमाऊंगा और सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर उड़ाऊंगा और लोगों को दिखाऊंगा और पाकिस्तान में जाऊंगा और उड़ाऊंगा और शरीकों को दिखाऊंगा, तो फिर भाई पैसा, आप तो मेरे हिसाब से तो आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं ऐसे पीस पैसे पे पैसे के पीछे भागकर, जो आप लोगों को दिखाने के लिए और उड़ाने के लिए कमा रहे हैं। बहरहाल जी, ऐसा कोई भी हरकत मत कीजिए, खासकर सऊदी अरब में रहते हुए। वीडियो क्या है वो आपको दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यार आपको मैं ये वीडियो दिखा देता हूँ, मैं अभी पाकिस्तानी भाई की है, अल्लाह ताला की ज़ात इनकी हिफाजत फरमाए, मैं सबसे पहले यही बोलूँगा। क्यों भाई, आपको बता देता हूँ, मैं पिक्चर वगैरह आपको दिखा रहा हूँ, वीडियो क्लिप भी अभी दिखा देता हूँ। मैं जो मेरे भाई परदेश सऊदी अरबिया में रहते हैं वो बखूबी जानते हैं। मिसाल के तौर पर 5 रियाल वाला नया नोट आया था, आपको एक मिसाल देता हूँ मैं, वो प्लास्टिक का अभी भी मार्केट में, आपकी पॉकेट में भी एक आध होगा, मेरे पास भी पड़ा हुआ है। अच्छा, वो हुआ क्या कि वो जो नोट है ना, उसकी बहुत से बंदों ने वीडियो बनाकर ऐसी शेयर की थी। मिसाल के तौर पर एक बंदे ने पकड़ा हुआ है, उसको ऐसे 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 किए जा रहा है, ऐसे ऐसे किए जा रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, देखें ये फट ही नहीं रहा है, ये पानी में गिर जाएगा कोई मसला नहीं, ये फटेगा नहीं, ये इस चीज़ के ऊपर उस बंदे को सऊदी गवर्नमेंट ने गिरफ्तार कर लिया था। क्यों कि भाई तुम हमारी करेंसी का ये हाल क्या कर रहे हो सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर, भी ऐसे 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 ऐसे, ये क्या है, इस चीज़ के ऊपर गिरफ्तार कर लिया। तो भाई मैं मुख्तलिफ वीडियोस इस चीज़ के ऊपर बनाता हूँ, ऐसे मसले मसाइल के ऊपर, कि खुदा रहा ऐसी कोई भी गलती मत कीजिए। मिसाल के तौर पर आप किसी सऊदी के दरवाजे पर जाते हैं, अगर बार बार बेल आप उसकी बजाए जा रहे हैं, बजाए जाएंगे, वो निकल कर आपका थप्पड़ लगाएगा और आपको शुरता अपनी शुरते को बुलाएंगे, तो शुरता आपकी गलती निकालेगा। तो ऐसे मामला होते हैं जी। ये बताने का सिर्फ मकसद ये था कि ये भाई साहब की जो वीडियो अभी आपको साथ में मैं चलाकर दिखा रहा हूँ, मैं इनका चेहरा ब्लर कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तानी भाई हैं इनकी, यानी कि ऊपर जो भी लिखा हुआ है वो भी नहीं दिखा रहा। उसकी रीज़न यह, पाकिस्तानी भाई है हमारा और पठान भाई है, ये भी आपको बता दूँ मैं। तो बेहतर ये है कि ये गिरफ़्तार ना हो, इनके ख़िलाफ़ कोई किसी किस्म की वीडियो यानी कि कार्रवाई ना हो, और ये अपनी इस वीडियो को अपने अकाउंट से डिलीट कर दें, ये भी बेस्ट है। अगर ये मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उसकी रीज़न क्या, उसकी रीज़न ये है कि भाई ये देख लें, 500 वाले नोटों की गत्तियाँ गिनने जा रहे हैं। जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको बता चुका हूँ मैं शरीकों वाला मामला। तो भाई ऐसी कोई भी वीडियो अगर आपके पास एक दो दो चार 5 हज़ार रियाल है और आप ये दिखा रहे हैं ऐसे के मिसाल के तौर पर, ये मैंने कमाए हैं जी सऊदी अरबिया में रहकर और इस तरीके से कमाए हैं, ये मेरी मेहनत की कमाई है, आप उसको अपनी पकड़ में डाल लेते हैं, वो अलग मामला है। आप इतने नोटों की गद्दी पकड़ी हुई है, उसको गिने जा रहे हैं, ऊपर आपने सॉन्ग वगैरह ऐसे को लगाया हुआ या कुछ और लगाया हुआ, तो फिर डेफिनेटली बात है आपको पकड़ा जाएगा, आपसे पूरी पूछगुछ होगी कि किधर से लेंगे, कैसे लिए, कहाँ से कमाए हैं, क्या मामला हैं। उसके अलावा सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी वीडियोज़ लगाना भी ममनू है सऊदी अरबिया में। तो भाई इसके ऊपर सज़ा होगी, साथ में आपका पूरा पैसा भी डूबेगा। तो इस चीज़ से बाज ही रहें, वही बेस्ट है।